तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप अमेजोन से अमेजोन पे यूपीआई को डिलीट कर सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने यहाँ से अमेजोन ऐप को ओपन कर लिया है। और अमेजोन ऐप को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ से अमेजोन पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अमेजोन पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। और यहाँ पे आपको अमेजोन पे बैलेंस लिखा हुआ है, अमेजोन पे लेटर लिखा हुआ है। और जैसे इसको यहाँ पे स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको, अमेजोन पे यूपीआई। आपको इसी अमेजोन पे यूपीआई वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अमेजोन पे यूपीआई वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। और आपको यहाँ पे दिखा देगा कि आपका कितना यूपीआई जो है जनरेट है। इसके बाद आपको ये नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पे दो दो यूपीआई बना हुआ है। उस दोनों ही यूपीआई को मैं यहाँ से एक साथ आपको डिलीट करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जो ये थ्री डॉट है, इस वाले ऑप्शन पे कोई भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे फॉरगेट पिन का ऑप्शन है और चेंज यूपीआई पिन का ऑप्शन है। तो यहाँ से जो है ये फ्रेंड्स, ये डिलीट नहीं होगा। इसके लिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ऐड अनदर बैंक अकाउंट है, यहाँ पे और एक्स्ट्रा आप बैंक अकाउंट जोड़ सकते हैं। लेकिन इसके नीचे ही एक और ऑप्शन है, मोर ऑप्शन। आपको इस मोर ऑप्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे आईडी को आप ब्लॉक कर सकते हैं, व्यू ब्लॉक यूपीआई आईडी। और चाहे तो आप यहाँ से डी रजिस्टर कर सकते हैं। तो आपको डी रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। डी रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे तत्काल ये दिखा देगा कि आप कन्फर्म है, दिस विल डिलीट और योर अमेजन पे यूपीआई आईडी एंड अनलिंक योर बैंक अकाउंट लिंकेड टू अमेजन पे यूपीआई। यू विल हैव टू रजिस्टर अगेन इन ऑर्डर टू यूज अमेजन पे यूपीआई। यहाँ पे बता रहा है कि ये जो आपका अमेजन पे है यूपीआई, ये डिलीट हो जाएगा। तो चलिए, आपको डिलीट ही करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ से यस डी रजिस्टर अमेजन पे यूपीआई वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते ही फ्रेंड्स, आपका जो है, यू हैव डी रजिस्टर्ड फ्रॉम अमेजन पे यूपीआई, योर यूपीआई आईडी एंड लिंकेड बैंक अकाउंट हैव बिन रिमूव्ड फ्रॉम योर अमेजन पे अकाउंट। और यहाँ से जो है मेरा अमेजन पे यूपीआई डिलीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अमेजन पे यूपीआई को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, डी रजिस्टर कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब जब मैं इसे अपडेट करूँगा, यहाँ पे अमेजन पे यूपीआई अभी भी दिख रहा है। तो चलिए, अभी एक बार मैं इसको अपडेट करके दोबारा से इसको ओपन करता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पर अमेजन पे यूपीआई डिलीट हुआ या नहीं हुआ। तो मैंने इसको दोबारा से ओपन कर लिया। और ओपन करने के बाद फिर से अमेजन पे यूपीआई वाले ऑप्शन पर क्लिक किया। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ से अपडेट हो रहा है और अमेजोन पे लेटर और यहाँ पे अमेजोन पे यूपीआई का ऑप्शन है, जो कि आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड लिख के दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कंफर्म मेरा यहाँ से डिलीट हो चुका है, कोई भी टाइम नहीं लगा है।